जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी मेहनत से हर महीने का राशिफल बनाता रहूँगा। हम इस वीडियो में सिर्फ सिंह लगन के जातकों के लिए अगस्त 2020 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप एक कुंडली के प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में एल ए लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहां पर प्रथम भाव में एल ए के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल अगस्त 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लगन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। आइए आज मैं आपको सिंह लगन के जातक कैसे होते हैं कुछ फैक्ट्स उनके बारे में शेयर करूंगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगस्त 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रथम भाव में 5 नंबर सिंह अर्थात शेर का प्रतीक है, ऊंचा माथा, ये लोग ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होते हैं, ये लोग ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करते हैं, इन्हें कम चीज़ें पसंद आती हैं, ये लोग बहुत चूजी किस्म के होते हैं, ये ज़्यादा कपड़े नहीं लेंगे पर जो लेंगे वो इन्हें ऐसे चाहिए होते हैं जो सबसे अलग दिखें। देखिए, सिंह लगन के जातक जिस घर में जन्म लेते हैं उसमें उनके जन्म के समय या उसके आसपास उनके फादर को प्रॉफिट अर्थात लाभ अवश्य होता है। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है, चाहे वो नौकरी में लाभ मिले और चाहे वो बिजनेस में हो, परंतु यहाँ लाभ अवश्य सिंह लगन के जातकों के फादर को मिलता है। देखिए, इनकी जो माँ होती है ये अक्सर देखा गया है कि उनका जो लक है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। सिंह लगन के जातकों का चंद्र बहुत कमज़ोर होता है अर्थात आप इमोशनली बहुत वीक होते हैं, आप छोटे छोटे बातों को दिल पे लगा लेते हैं, जिसके कारण आपको एज के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप इमोशनली और ज़्यादा आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। देखिए, इनका जो कर्म स्थान है वो शुक्र का स्थान है अर्थात इनके कर्म स्थान या हम कहें कि जहाँ पर ये लोग बैठकर काम करते हैं वो बहुत साफ़ सफाई बहुत सुंदर जगह वो होती है, ये बहुत साफ़ सफाई रखते हैं वहाँ पर, या हम कहें इनको बहुत साफ़ सुथरा कार्य स्थान ही पसंद है, इनको वहाँ ज़्यादा फैला हुआ स्थान कह लीजिए वो इनको पसंद नहीं आता। देखिए, और ये लोग खाना खाने के बाद ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते और सिंह की तरह इनको खाना खाने के बाद आराम करने की आदत होती है। देखिए, ये था सिंह लग्न के जातकों के बारे में कुछ फैक्ट्स। बाकी सभी विषयों पर सिंह लग्न के लोग कैसे होते हैं, उनको किस कैरियर को ऑप्ट करना चाहिए जिससे उन्हें लाइफ में एक स्टेबल ग्रोथ मिले, और उनको किन ग्रहों के उपाय जीवन में करने चाहिए जिससे उनकी जीवन की समस्याएँ कम हो, इन सभी विषयों पर मैं एक सेपरेट वीडियो सिंह लगन के जातकों के लिए बनाऊंगा, आप वो जरूर देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिंह लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना आपके कैरियर और व्यवसाय संबंधित कैसा रहेगा। देखिए, मैं यहाँ आपको आपके कैरियर पर इस महीने क्या इम्पैक्ट ग्रहों का पड़ेगा ये मैं आपको दो पार्ट्स में बताऊंगा, अर्थात पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि 16 अगस्त तक आपको ये महीना कैसा फल देगा आपके कैरियर संबंधित, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 16 अगस्त के बाद ग्रहों का गोचर आपके कैरियर संबंधित क्या फल आपको देगा और ये रिजल्ट जो हैं कितने पॉजिटिव होंगे और कितने नेगेटिव होंगे। तो आइए पहले बात करते हैं 16 अगस्त से पहले तक का समय आपको क्या फल देगा, कैसे रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए, लग्नेश का गोचर अष्टम भाव में है और चंद्र आपकी कुंडली में मारक ग्रह है, आपको यहाँ बहुत अधिक सावधान रहना है। आप किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन अपने बिजनेस से रिलेटेड अर्थात यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी ना करें, और जो लोग जॉब में हैं वो थोड़ा अधिक स्ट्रेस के कारण थोड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आप लोग फ्रस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपको नुकसान हो जाए, अर्थात इस समय आप यदि जॉब चेंज की सोच रहे हैं तो आप वो ना करें, ये समय आपको लीगल इश्यू में भी डाल सकता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। और आप किसी भी सरकारी कामकाज में अर्थात आप किसी भी सरकारी महकमे में यदि आपका कोई केस चल रहा है और यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो आपने किसी सरकारी दफ्तर में करवाना है
तो इस दौरान अर्थात 16 अगस्त तक आप उसको टाल दीजिए, उसके बाद ही आप कोई वहां पर जाके लाइजनिंग कीजिए या उनसे बात कीजिए। तो ये था 16 अगस्त तक का समय आपके कार्य संबंधित कैसा रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि 16 अगस्त के बाद तक का समय आपको क्या परिणाम यहाँ देगा। देखिए मंगल अपनी स्वराशि में आ रहे हैं जो कि कुंडली का नवम भाव है, अर्थात 16 अगस्त के बाद मंगल आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं जो इनकी अपनी ही राशि मेष है। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं तो आपको मंगल के यहाँ बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए मंगल स्वराशि में आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपके जो कार्य अटके पड़े थे, जिनको आप ये सोच रहे थे कि अब इस कार्य में आपको लाभ मिलना मुश्किल है, और यदि आप बिल्कुल हार मान चुके थे अपने भाग्य को लेकर, तो ये समय आपको अचानक से बदलाव आते दिखाई देंगे। देखिए मंगल की प्रवृत्ति अर्थात मंगल का जो नेचर है वो तुरंत रिजल्ट देने वाला होता है, तो मंगल का गोचर कुंडली में बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ आप ये महसूस करेंगे कि आपके सारे कार्य जो रुक गए थे, अथवा यदि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा था अथवा आपकी नौकरी चली गई थी और आप नौकरी ढूंढ रहे थे, इन सभी क्षेत्र में आपको लाभ यहाँ मिलता दिखाई देगा और आपको आपका भाग्य यहाँ साथ देता दिखाई देगा। देखिए यहाँ आप यदि कोई नया कार्य करने की सोच रहे थे, बहुत समय से आप ये सोच रहे थे कि मैं कोई नया कार्य यहाँ पर करूँ, और वो करेज वो हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे थे, तो इस समय आप वो इनिशिएटिव लेंगे और अपने कार्य को या अपने नए प्रोजेक्ट को आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखिए यदि आप लोगों ने पास्ट में मेहनत की है और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से किया है, तो शनिदेव भी आपको अपना पूरा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ देंगे। और यदि आप अपने कार्य को लेकर सीरियस नहीं थे और आप में यदि अपने कार्य को लेकर डीले करने की प्रवृत्ति है, तो आपको यहाँ उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ये समय आपको अपने राइवल से अर्थात आपके विरोधियों पर विजय दिलवाएगा और आपको आगे बढ़ने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती दिखाई देगी। देखिए यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और यदि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको विदेश से कुछ रिटर्न मिलना है, तो ये समय आपको उसमें लाभ देगा। जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते थे या कोई जॉब विदेश में ढूंढ रहे थे, और जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे और कुछ अड़चने आप पिछले कुछ समय से फेस कर रहे थे, तो ये समय आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ देगा और आपको अपने कार्य होते यहाँ दिखाई देंगे। देखिए आप यदि स्टूडेंट हैं और आप पर यदि बुध राहु और शुक्र की महादशा अथवा अंतरदशा चल रही है, तो आपको यहाँ अपनी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप रोज एटलीस्ट 15 मिनट तक मेडिटेशन करें और एक तुलसी का पत्ता सुबह खाली पेट खाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे आपको जो नकारात्मक एनर्जी है वो आपकी रिड्यूस होते दिखाई देगी और आपका फोकस पढ़ाई की तरफ यहाँ बढ़ेगा। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना आपके कैरियर संबंधित कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और हेल्थ संबंधित अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए सिंह लग्न के जातकों को यदि किसी भी प्रकार की ब्रेन और स्पाइन अर्थात आपके दिमाग और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो आप हमेशा सतर्क रहें। देखिए मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत रिसर्च की है, आप इसको सीरियसली लें जो भी मैं आपको स्वास्थ्य और हेल्थ सेक्शन में यहाँ बताता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप बीमारियों से घिरे रहेंगे तो आप बहुत अधिक मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंह लग्न के जातक यदि आपको किसी भी प्रकार की दिमाग और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई बीमारी किसी भी एज में होती है, तो आप इसको नेगलेक्ट ना करें। ये आपको 45 प्लस की एज के बाद गंभीर परिणाम दे सकती है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो के अंत में जो उपाय सेक्शन है उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताऊंगा जो आपको लाभ देंगे। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए आपको 16 अगस्त के बाद अपने फाइनेंस को लेकर जो तनाव बना हुआ था वो आपको थोड़ा कम होता दिखाई देगा। आपको अपने सेविंग्स में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। आपने यदि किसी से कर्जा लिया था या आपने किसी से लोन लिया था, तो वो
आप यहाँ लौटा पाएंगे। देखिए 11 से 14 अगस्त तक का समय आपको कहीं से पैसा मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो वो आपको यहाँ वापस मिल सकता है, और यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा था तो आपको वहाँ से रिटर्न मिलने की इन दिनों संभावना बनी हुई है। देखिए आप 24 से 29 अगस्त के बीच कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपको इन दिनों नुकसान हो सकता है। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना आपके फाइनेंस संबंधित कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके परिवार और फैमिली संबंधित अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए 16 अगस्त के बाद आपके जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। ये समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सही समय नहीं है। आप किसी भी प्रकार की बहसबाजी से दूर रहें, किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद आपके रिलेशनशिप में दरारें उत्पन्न कर सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। आपका यहाँ अपने फादर के साथ तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके कारण आपकी अपने घर में थोड़ा टेंशन का माहौल यहाँ बनने की संभावना बनी हुई है। तो आप किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें, और जो बातें लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती हैं उन बातों को थोड़ा नेगलेक्ट करने की आप कोशिश कीजिए। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके प्रेम और रोमांस संबंधित अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए ये समय आपके लव अफेयर्स को बढ़ावा देगा। जो लोग सिंगल हैं वो किसी प्रकार के प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग अभी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस समय को थोड़ा डीले कीजिए, उसको टाल दीजिए। तो ये था आपके प्रेम और रोमांस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जो सिंह लग्न के जातकों को करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए आपको चंद्र के बीज मंत्र का जाप, ओम श्याम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप आपने रोज 108 बार करना है। आपको हमेशा महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। आपको देखिए 26 अगस्त को किसी गरीब को काली दाल और पैसों का दान करना है। आपने रुपयों का दान नहीं करना, आपने सिर्फ सिक्कों का दान यहाँ करना है। देखिए जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको 16 अगस्त और 30 अगस्त को प्रदोष व्रत करना है, और उस दिन आपको सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना है, शिव मंदिर जाना है और वहाँ 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आप इस दिन शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह में जो भी अड़चनें आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होंगी। देखिए इन उपायों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, इन उपायों को आप कंटिन्यू करते रहिए। तो आइए आगे अब अड़ते हैं और अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त में शुभ दिन कौन सा है और अशुभ दिन कौन सा रहेगा। देखिए शुभ दिन की यदि हम बात करें तो 13 अगस्त आपके लिए शुभ दिन है, और यदि हम अशुभ दिन की बात करें तो 27 अगस्त आपके लिए अशुभ दिन है। तो इस दिन यदि आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उस दिन ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।